प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्वच्छ भारत अभियान तेजी से आगे बढ़ा है। शहरों में साफ सफाई के कार्यक्रमों के जरिए लोग जागरूक हुए हैं, तो वहीं गांवों में खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम के तहत शौचालय बनाए गए और ग्रामीण शौच के लिए घरों में बने शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। बिहार के पूर्णिया में गांवों में महिलाओं की परेशानियां तब दूर हुई जब उनके घर में शौचालय बना। निशा कुमारी सरकार की इस योजना से कितनी संतुष्ट हैं, आइए देखते हैं। अब दिक्कत नहीं होता है, पहले जाने में डर लगता था। हर घर में अब शौचालय बन गया है, अपना बेटी हर घर इस घर में देता है बहू बेटी को, पहले नहीं देता था। जहाँ स्वच्छ वहीं शौचालय होना चाहिए, अब घर घर शौचालय हो गया है। अब स्वच्छ करने में अच्छा लगता है, अब अच्छा लगता है। अब बीमारी तीमारी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पहले बीमार पड़ता था हर बच्चा, अब हर बच्चा अब स्वस्थ रहता है। वहीं अनुराधा देवी मानती हैं कि जब घरों में शौचालय नहीं थे तब काफी परेशानियां होती थी। 2016 से पहले जब हम लोगों के पास शौचालय नहीं था तब हम लोगों को बाहर जाने में बहुत परेशानी होती थी, और बच्चे सबको भी बहुत दिक्कत होते थे। बाहर में गंदगी भी ज़्यादा फैलता था। अब हम लोग पूरे परिवार सुरक्षित हैं शौचालय बनाने के बाद। बाहर जाने की भी परेशानी नहीं है, घर घर में शौचालय है, और बहुत खुशी हो रही है कि अभी हम लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ता है, कोई चीज़ की परेशानी नहीं होती है। शौचालय बना करके हम लोग बहुत खुश रहते हैं। महिलाओं की इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम कितना जरूरी था। स्वच्छ भारत के साथ साथ स्वस्थ भारत का संदेश गांवों में भी पहुंचा और लोग अपनी भागीदारी भी निभा रहे हैं।